हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स। तो फ्रेंड्स, एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रीलिम्स के लिए हम क्विज़ क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है? तो जो लोग 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2018 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलरली क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि तैयारी आपकी चाहे जितनी मर्जी हो, आपके लिए क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट वो इसीलिए रहता है क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, तो बहुत कुछ जो पढ़ा होता है वो क्वेश्चंस में जब आपके सामने आता है तो आपको पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और बहुत सारी कैचेज होती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है? तो आपकी नॉलेज तब तक आपको यूज़फुल नहीं रहेगी जब तक आपको वो कैच पकड़ना नहीं आ जाता। तो मेनली मैं आपको इन क्वेश्चंस में कैच पकड़ना सिखाऊंगा, ठीक है? और आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक है और आपको कितना जो है हार्डवर्क और डालने की ज़रूरत है, ठीक है? तो 10 क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में। इन 10 क्वेश्चंस में आपको 8 या 9 मिनट का वीडियो होगा। इन 10 क्वेश्चंस में आपको ये जज करना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपको खुद को खुद से स्कोर कीजिए, ठीक है? खुद से आपने मार्क्स लगाइए क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद, और उस हिसाब से आप जज कीजिए कि आपको और कितना ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। प्लस जो ये क्वेश्चंस होंगे ये आपके टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है? तो आपको ईजी रहेगा कि आप पता कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है आपका वो स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक जो है आपको अभी और ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो आज का जो जो ये वाला जो हम सीरीज़ देखेंगे अभी, फंडामेंटल राइट्स और करंट अफेयर्स जो सितंबर के हैं उनके ऊपर रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? और दोस्तों, रेगुलरली मैं ये टेस्ट डालता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा वीडियो के, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस अब बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लैक प्लैनेट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ ए एस्टेरॉइड्स ऑर्बिटिंग अराउंड सन, बी सेटेलाइट्स इन सोलर सिस्टम रिवॉल्विंग अराउंड देयर प्लैनेट्स, सी अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स स्टार अदर देन सन, डी फार अवे प्लैनेट्स इन सन्स सोलर सिस्टम दैट डू नॉट रिसीव सफिशेंट सनलाइट। तो बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इसके बारे में पता है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप सिर्फ गेस वर्क लगा सकोगे। तो इसका आंसर है सी, अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स स्टार अदर देन सन। तो अभी जो रिसेंटली यूएस का जो टेलीस्कोप है उसने ये एक प्लैनेट डिस्कवर किया था, ठीक है? कुछ नंबर्स में उस प्लैनेट का नाम था। तो आंसर इसका आपके लिए सी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन दिखने के बाद आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से उसको आंसर करें, और उसके बाद वीडियो को प्ले करें उसका आंसर जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, मलाबार नेवल एक्सरसाइज ओरिजिनली स्टार्टेड बिटवीन 1 US, 2 India, 3 Japan। ए, अब ऑप्शन में 1 एंड 2, B 1 2 3, C 2 एंड 3, D 1 एंड 3। अब इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या याद रखना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अब मलाबार नेवल जो एक्सरसाइज है वो जनरली 3 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, US, इंडिया और जापान। तो आप जल्दबाजी में इसका आंसर जहाँ तक है वो बी कर दोगे, लेकिन इसमें जो कैच है क्वेश्चन में वो आपको ये पकड़ना है कि एक्सरसाइज ओरिजिनली कि शुरू में किन किन 2 कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुई थी। तो शुरू में जापान नहीं था, शुरू में सिर्फ ये US और इंडिया के बीच में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जापान को इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर जो आपके लिए रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है? अगर आप इस क्वेश्चन को बिना देखे बस टिक लगा दोगे तो एक्साइटमेंट में आप इसका आंसर जो है वो गलत कर दोगे और आपका नुकसान हो जाएगा। एक तो आपके ठीक आंसर में जो आपको 2 मार्क्स मिलने थे वो भी जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी वो अलग। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईवी रामास्वामी नेकर, ठीक है? 1, फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, 2, एनकरेज दलित्स टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म। ऑप्शंस हैं ए बोथ, बी नन, सी वन ओनली, डी टू ओनली। अब जो ईवी रामास्वामी नेकर हैं, जो पहली स्टेटमेंट है फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं वो फॉलो किए हैं, मैंने उसमें कवर किया था इनको, या फिर अगर आपने हिस्ट्री में इनके बारे में अच्छा सा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा एनसीईआरटी में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है एनकरेज्ड दलित्स टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ईवी रामास्वामी नेकर ने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको कहा था कि उन्हें कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन के साथ कुछ ना कुछ जो है पुअर चीज़ें आती हैं। तो अगर वो लिबरेट करना चाहते हैं खुद को ये कास्ट सिस्टम और इन सब चीज़ों से, तो उनको हर रिलीजन को रिनाउंस कर देना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर आपके लिए रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सरदार सरोवर डैम। अब यहाँ पे नॉट ट्रू है, ठीक है? फर्स्ट, इट इज़ द बिगेस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इन वर्ल्ड। सेकेंड, फाउंडेशन वॉज लेड डाउन बाई फॉर्मर PM लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड, डैम हैज़ बीन फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें, जो पहली स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है, क्योंकि जो लार्जेस्ट बिगेस्ट कंक्रीट डैम है वो इंडिया में नहीं है, वो USA में है।
ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, फाउंडेशन वाज लेड डाउन बाय फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इनकी फाउंडेशन जो थी वो ली की थी। थर्ड स्टेटमेंट, डैम हैज़ बीन फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। अगर आप थोड़ा सा सरदार सरोवर जो डैम है उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस डैम को फंड करने से मना कर दिया था इस बेस पे, क्योंकि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग से डिनाई कर दिया था। जो आपका इसमें फिर आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शेल कंपनीज ऑफन हर्ड इन न्यूज़। ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी कुछ 2 4 5 दिन पहले ही हमने इसको कवर किया था। स्टेटमेंट वन, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स देयर इलेबोरेट डेफिनेशन। सेकेंड, ऑल डॉर्मेंट कंपनीज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शेल कंपनीज। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो कंपनीज एक्ट है वो शेल कंपनीज को डिफाइन नहीं करता है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो आपकी पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल डॉर्मेंट कंपनीज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शेल कंपनीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉर्मेंट कंपनी और शेल कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शेल कंपनी एक इलीगल एंटिटी मानी जाती है जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। यहाँ दूसरी जगह डोरमेंट कंपनीज जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इलीगल काम है उसको प्रमोट करने के लिए बनाई जाए, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये भी करंट अफेयर्स में हमने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया। स्टेटमेंट वन, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज, वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने को पूछा गया है। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लें ताकि आप वो गलती ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम करेक्ट टिक कराते हैं ऑप्शन में, क्योंकि करेक्ट वाले भी होंगे और इनकरेक्ट वाले भी होंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़े होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जनरली बच्चों का। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी उल्टा लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकते हैं, और हाई कोर्ट की जो रिट इशूइंग पावर होती है वो वाइड होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर चीज़ों अदर पर्पजेज़ के लिए भी जो है रिट इशू कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है ना। अब आप एलिमिनेशन का भी यूज़ कीजिए ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपको कभी कभार डाउट हो जाता है ना तो एलिमिनेशन का भी यूज़ कीजिए। वन आपका जो है इनकरेक्ट है, तो अगर हम ऑप्शंस देखें ए बी सी डी, तो सी और डी में तो वन ऑप्शन है ही नहीं, तो ये तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपका आंसर या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स ऑफ इंजंक्शन वेयर एज द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू द रिट ऑफ इंजंक्शन। जो रिट ऑफ इंजंक्शन होती है वो ऑर्डर करना होता है, अगर कोई गलत चीज़ हुई है उसको ठीक करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है सरकार को, तो हाई कोर्ट भी कर सकती है रिट इशू इंजंक्शन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी। अगर फंडामेंटल राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर रही है सरकार को, प्रोहिबिशन में इंडेपेंडेंस या कोई भी, तो वो इंजेक्ट करती है सरकार को कि नहीं आपने ऐसा किया आप इसको ठीक कीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत हो गई, ठीक है। 1, 2, 1, 2, 3 में से अब आपको चेक बस ये करना है कि आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन केस ऑफ अपील वेयर एज हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ओनली व्हेन द पार्टी डायरेक्टली अप्रोचेज इट। ये स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी गलत है, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। फोर्थ स्टेटमेंट आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट वन के टाइम पे डिस्कस किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट्स आर दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल ठीक है। दीज राइट्स आर एब्सोल्यूट। अब आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे अगर आप आर्टिकल 19 देखें जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसमें कंडीशन है कि मोरालिटी और कंट्री की सॉवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और एब्सोल्यूट राइट्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई लिमिटेशन ना हो, ठीक है। तो इन राइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगाई गई है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। अगेन हम एलिमिनेशन देखते हैं, अब बी ऑप्शन आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। थर्ड, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट सम। अब आपको पता होगा कि आपका जो आर्टिकल 21 है वो
और आर्टिकल 20 है वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते इवन ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। फोर्थ, दे आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अभी रोहिंग्या क्राइसिस को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो रोहिंग्याज जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना है कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है वो सिर्फ सिटीजन्स को नहीं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें इलीगली ऐसे डिपोर्ट कर देगी उस कंट्री में जहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो वो उनका राइट टू लाइफ वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। पहले हमने आपका एलिमिनेट कर दिया था बी ऑप्शन, अब फोर्थ स्टेटमेंट के रॉन्ग होने से हम आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, दे आर कंटेंड इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके पार्ट थ्री में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपका ऑप्शन जो बचता है वो बचता है C 1 और 3 ओनली। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। वन, फंडामेंटल राइट्स, हाँ ये एक लिमिटेशन है। राइट टू इक्वालिटी जो है एक लिमिटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट पे, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो दो लोगों को अनइक्वली ट्रीट करे। जुडिशियल रिव्यू भी एक लिमिटेशन है। जुडिशियल रिव्यू से जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट के किसी भी बनाए हुए लॉ को वॉइड कर सकती है अगर वो राइट्स को जो है इन्फ्रिंज कर रहा है लोगों के। फेडरलिज्म भी एक लिमिटेशन है सॉवरेनिटी पे, क्योंकि फेडरलिज्म के थ्रू हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स दी हैं, एक हमने स्टेट लिस्ट बनाई है, और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर धाबा नहीं बोल सकती। ठीक है ना, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो लॉ बनाने का हक हमने दिया है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिमिटेशन है क्योंकि हमने सब कुछ बता दिया, हमने डिफाइन कर दिया है कि पार्लियामेंट के क्या क्या पावर्स हैं और वो उससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा D 1, 2, 3 और 4। नाइन्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अब फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो आपके फंडामेंटल रहते हैं गवर्नेंस के लिए उसका आपका आंसर रहेगा सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उनको बोला गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कि दे आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, उनके बेसिस पे उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को गवर्नेंस करनी है कंट्री की। टेंथ, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन ए प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स, बी प्रियम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आपके लिए आंसर रहेगा वो रहेगा बी, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपने प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ा हो, टू ग्रांट टू प्रोवाइड ऑल इट सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये लाइन है प्रियम्बल की, तो आपका प्रियम्बल रहेगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी जिससे इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।